कोविड-19 के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए जिला शोपिया प्रशासन की मदद करने के उद्देश्य से दो कंप्यूटर साइंस के छात्रों ने एक वेबसाइट विकसित की है, जहां व्यक्ति यात्रा करने के लिए अपनी और दूसरों की ट्रैवल हिस्ट्री की रिपोर्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट वॉलंटियर्स को खुद को पंजीकृत करने के लिए विकल्प भी प्रदान करती है और जब भी प्रशासन को उनकी आवश्यकता होती है उनसे संपर्क किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब्दुल रौफ और मलिक शाहिद कंप्यूटर साइंस में बीटेक के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक वेबसाइट विकसित की और इसे www.covid19shopia.in के रूप में पंजीकृत करवाया है। अब्दुल रौफ ने कहा, हमने कोविड-19 से लड़ने के लिए वेबसाइट बनाई और उन यात्रियों को ट्रेस करने में प्रशासन की मदद करी जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं। जो हमने ये वेबसाइट लॉन्च किया है, ये हमने रिगार्डिंग पैंडेमिक कोरोना वायरस जो पूरे वर्ल्ड में आउटब्रेक हुआ है उसके रिगार्डिंग हमने ये वेबसाइट क्रिएट की थी, ताकि हम ये लोगों तक पहुंचा सके, ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि रिगार्डिंग हम ये कोरोना वायरस को इसको डिफेंड करें। वेबसाइट क्रिएट की है जिसमें हम एज रिगार्डिंग कोविड-19 इन शोपियान में जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग इस वेबसाइट पर हम अपलोड कर सकते हैं, और जो हम वॉलंटियर्स ग्रुप है उस वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और हम किसी अगर कोई बंदा बाहर से आया होगा, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री आउटसाइड या विद इन वर्ल्ड है, इसमें हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें हम उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और हमने इस रिगार्डिंग एज वॉलंटियरली काम किया है ताकि लोगों को इससे कोई बेनिफिट पहुँच सके या एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे ज़रिए कोई बेनिफिट पहुँच सके। जो ये वेबसाइट क्रिएट की है इससे हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन बरकरार होगी।